हेलो दोस्तों, आज से हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सभी कोर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के कोर्स को कंप्लीट करेंगे और उस कोर्स को क्लास वाइज हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स में क्या सब कंप्लीट करने वाले हैं और कितने क्लास में इसको हम लोग क्लियर करेंगे, वो सारे चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और उनके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि कंप्यूटर सीखे तो सीखे कहाँ से, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि किसी भी न्यू यूजर को कंप्यूटर कहाँ से सीखना स्टार्ट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशनल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ज़रूर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक कोर्स में हम लोग क्या सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लर्न कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस्ड, कंप्यूटर बुनियादी से विकसित तक सीखे। जी हाँ, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की कंप्यूटर हम लोग सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक कोर्स को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग एडवांस कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक कोर्स को सीखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक कोर्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप एडवांस कोर्स सीखेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है, इसीलिए बेसिक कोर्स को पहले कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ही एडवांस कोर्स में हाथ लगाना चाहिए। तो हम लोग बेसिक कोर्स में क्या कंप्लीट करेंगे वो हम लोग धीरे धीरे आगे जानते हैं। नंबर एक, हाउ टू चेंज डेस्कटॉप एंड लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड, डेस्कटॉप और लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज कैसे करें। दूसरा हम लोग कवर करने जा रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन के साइज को छोटा और बड़ा कैसे करें। हाउ टू अरेंज डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन को अरेंज करना जानेंगे। हाउ टू मेक न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप या एनी प्लेस, डेस्कटॉप पर या किसी भी जगह न्यू फोल्डर को कैसे बनाएंगे। हाउ टू रिमूव या डिलीट एनी फाइल या फोल्डर, किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को डिलीट कैसे करेंगे, और किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो उसको वापस कैसे लाएंगे। ये सारे टॉपिक हम लोग बेसिक कोर्स में कंप्लीट करेंगे। इतना ही नहीं है, इसमें और सारे टॉपिक हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। इन सभी टॉपिक को हम 7 क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में क्या सब पढ़ेंगे। फर्स्ट डे ऑफ कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर क्लास का पहला दिन। जी हाँ दोस्तों, तो पहला दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू चेंज डेस्कटॉप एंड लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड, डेस्कटॉप और लॉक स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज कैसे करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग पहला क्लास में कवर करेंगे। जी हाँ, दूसरा क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, कंप्यूटर क्लास का दूसरा दिन हम लोग कवर करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन के साइज को छोटा या बड़ा कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू अरेंज डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन को अरेंज करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग तीसरे क्लास में सीखेंगे, कंप्यूटर क्लास का तीसरा दिन हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मेक न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप या एनी प्लेस, डेस्कटॉप हो या फिर किसी भी जगह पर फोल्डर को, नया फोल्डर को कैसे बनाएं। उसके बाद जानेंगे हाउ टू रिमूव एनी फाइल या फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे रिमूव करें। हाउ टू रिस्टोर एनी फाइल या फोल्डर, अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो उसको कैसे वापस लाएं, किसी भी वीडियो को, ऑडियो को, किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो उसको कैसे वापस लाएं, वो सभी हम लोग इस टॉपिक में तीसरे क्लास के दिन हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथी क्लास की ओर, कि चौथी क्लास में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। चौथी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस पेंट। जी हाँ दोस्तों, एमएस पेंट को हम लोग दो भाग में बांटेंगे।
क्योंकि एक ही वीडियो में हम स्पेन को कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इतना लंबा हम लोगों को वीडियो नहीं बनाना है। तो इसीलिए एम एस पेंट को दो पार्ट में बांटने जा रहे हैं, एम एस पेंट पार्ट वन और एम एस पेंट पार्ट टू। तो जरूर इन सभी वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि बेसिक कोर्स पर कंप्लीट होगा। क्योंकि किसी भी घर को बनाने के लिए पहले बेस को मजबूत करना चाहिए, अगर बेस मजबूत है तो जितना मर्जी उतना ऊपर बनाते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे कहाँ तक बना पाइएगा, बना भी लीजिएगा तो हो सकता है कि आगे घर गिर जाए, है ना। इसीलिए बेसिक कोर्स को अच्छे से सीखिए, ताकि आगे जो हम लोग एडवांस कोर्स सीखेंगे तो उसमें ज़्यादा हम लोगों को कोर्स कंप्लीट करने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पाँचवीं क्लास में हम लोग क्या सब सीखने वाले हैं। जी दोस्तों, क्लास कंप्यूटर क्लास का पाँचवा दिन हम लोग क्या सब सीखेंगे, पाँचवा दिन हम लोग सीखेंगे नोट पैड। यस, पाँचवा दिन हम लोग नोट पैड सीखेंगे। और छठा क्लास में जो हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर क्लास का छठा दिन जो हम लोग सीखेंगे वर्ड पैड। वर्ड पैड भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो, इसीलिए वर्ड पैड को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, वर्ड पैड पार्ट वन और वर्ड पैड पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों, और बेसिक कोर्स का लास्ट क्लास हम लोग सीखेंगे, सेवेंथ क्लास में सीखेंगे हम लोग, सातवीं दिन हम लोग सीखेंगे कि सर्च, सर्च क्या होता है, सर्च के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि सर्च ऑनलाइन तो हम लोग खूब करते हैं, और ऑफलाइन कंप्यूटर में सर्च कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो और भी इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सेटिंग ऐसे होंगे जो हम बताते जाएंगे और क्लियर होता रहेगा। तो आप लोगों को बेसिक कोर्स को सीखना चाहिए, जरूर जरूर से सीखना चाहिए, ताकि आगे कहीं भी दिक्कत ना हो। इसलिए बेसिक कोर्स को अच्छे से सीखिए और हर एक वीडियोज को देखिए। तो दोस्तों, आप सबको हम बेसिक कोर्स की टॉपिक को कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि हफ्ते में दो से तीन वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी तो हम लोग बस टॉपिक देखे हैं कि क्या सब बेसिक कोर्स में सीखेंगे, लेकिन इन सभी टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो जरूर आप सब वीडियोज को देखते रहिएगा, ताकि बेसिक कोर्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, और इस वीडियो के अलावा कहीं और किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में अपना 100% दिया हूँ, आप भी अपना 100% वाला प्यार ज़रूर दिखा के जाइएगा। थैंक यू सो मच।